नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप टैबलेट्स के बारे में, जिनको आप दिसंबर जनवरी के दौरान खरीद सकते हैं स्टडी पर्पस के लिए, या फिर बिजनेस पर्पस के लिए, फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। सारी की सारी इसमें हम बेस्ट टैबलेट्स कवर अप करेंगे, जिनके अंदर आप गेमिंग वगैरह भी काफी अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको 30,000 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक जो भी बेस्ट टैबलेट्स होंगी वो आपको रिकमेंड करूंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैबलेट्स है जो कि आपको Xiaomi की तरफ से देखने को मिल जाती है, जिसका नाम आपको देखने को मिलता है Xiaomi Mi Pad 5। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको 10.95 इंच की 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो एक काफी बड़ी डिस्प्ले यहां पर आपको देखने को मिलती है। बाकी प्रोसेसर की बात करूं तो यहां पर आपको फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 860 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, 6GB की रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वाईफाई ओनली का सपोर्ट देखने को मिलता है, कोई भी 4G का सपोर्ट यहां पर नहीं देखने को मिलता। यह चीज थोड़ी ध्यान देने वाली है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको स्टाइलस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, लेकिन उसको आपको अलग से बाय करना होगा। इस टाइप से दोस्तों Mi Pad 5 देखने को मिलता है। दोस्तों ये वन ऑफ द बेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट आपको देखने को मिलती है। इसकी प्राइसिंग की बात करो तो दोस्तों ये 28,000 रुपीज की करंटली Amazon पर आपको देखने को मिल जाती है, जहां से आप इसको बाय कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से आप कार्ड वगैरह यूज करेंगे तो आपको 1,000 से लेकर 2,000 रुपीज तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों अगर आपका बजट 30K है और अगर आप एक बेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट लेना चाहते हैं तो यहां पर आप Mi Pad 5 को चूज कर सकते हैं। दोस्तों बात करें दूसरी टैबलेट की जो कि Samsung की तरफ से आती है, काफी सारे लोग सैमसंग ब्रांड की तरफ से आने वाले टैबलेट को बाय करना चाहते हैं। तो सैमसंग ने यहाँ पर S6 Lite का एक न्यू वर्जन लॉन्च कर रखा है आजकल, जो कि एक न्यू प्रोसेसर के साथ आता है जिसका नाम है 720G। अब दोस्तों ये प्रोसेसर वैसे तो थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन काफी पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको 10.4 इंच की एक TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 4GB और 6GB रैम ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसको आप फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सबसे अच्छी S6 Lite के अंदर बात यह है कि यहाँ पर जो आपको एक्टिव स्टाइलस है इन बॉक्स ही आपको देखने को मिलता है, तो आप इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हैं ड्राइंग पर्पस के लिए या स्टडी पर्पस के लिए, नोट्स लेने के लिए। बाकी इसके अंदर दोस्तों आपको 7040mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 15W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसकी करंटली प्राइसिंग की बात करूं तो दोस्तों 24,999 में आपको टैबलेट देखने को मिल जाती है। एक काफी बढ़िया डील है सैमसंग की तरफ से और यहां पर आपको परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। बस दोस्तों यहां पर 4G LTE वाला जो वेरिएंट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलता है 28,29 के अराउंड, तो आप उसको मेरे हिसाब से अवॉइड कीजिएगा, 25,000 रुपीज वाला बाई कर लीजिएगा। जहां से आप बाई कर सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इस टाइप से ये सैमसंग की तरफ से आने वाली S6 Lite को भी आप चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं अब 20K के सेगमेंट के अप्रोक्स आपको कौन सी टैबलेट देखने को मिलती है। Lenovo Tab M10 FSD Plus 3rd Generation। दोस्तों पहले सेकंड जनरेशन वाली टैबलेट आती थी, अभी हाल ही एक दो मंथ हुए हैं ये आपको न्यू टैबलेट देखने को मिलती है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आपको 10.61 इंच की एक FSD Plus वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों यहां पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 680 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि मीडियम रेंज का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाकी यहां पर आपको 7000mAh प्लस की बैटरी देखने को मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ओवरऑल Lenovo की यहां पर आपको क्लीन UI देखने को मिलती है, Wi-Fi प्लस LTE का भी यहां पर आपको वेरिएंट देखने को मिल जाता है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो दोस्तों ये आपको 19,999 से टैबलेट स्टार्ट हो जाती है, और यहां पर आपको 1-2 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिल जाता है अगर आप कार्ड वगैरह यूज करते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर अगर आपको 4G वाला वेरिएंट चाहिए तो आपको यहां पर 22,000 रुपीज खर्च करने होंगे। तो जो लोग Lenovo के फैन है, जो अच्छे स्पीकर्स वाली टैबलेट चाहते हैं, अच्छी डिस्प्ले वाली टैबलेट चाहते हैं, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं, इसको भी आप जहां से बाय कर सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगली टैबलेट की बात करें जो कि आपको Oppo की तरफ से देखने को मिल जाती है, ये भी बजट में काफी बड़े टैबलेट आपको देखने को मिलती है। इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है Oppo Pad। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो दोस्तों यहां पर आपको 10.36 इंच की एक FHD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, बैटरी यहां पर आपको 7100mAh की दी गई है, जो कि 18W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफी अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों यहां पर आपको जो इसकी प्राइसिंग वो मेरे को काफी अच्छी लगती है, ये आपको 16,999 में देखने को मिल जाती है। लेकिन यहां पर एक डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर आपको कोई भी 4G वाला वेरिएंट नहीं देखने को मिलता है, खाली आपको वाईफाई के ऊपर डिपेंड रहना होगा इंटरनेट के यूज के लिए। बाकी सारी चीजें यहां पर आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाती है, जैसे कि मेटेलिक बिल्ड है यहां पर आपको देखने को मिलती है, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, ओवरऑल काफी बढ़िया है आपको टैबलेट देखने को मिलती है, बस आपको वाईफाई के थ्रू यहां पर इंटरनेट का एंजॉय करना होगा। तो स्टेप से दोस्तों ये Oppo Pad Air भी आप बाय कर सकते हैं, यहां भी आपको काफी सारे डिस्काउंट ऑफर्स चलते रहते हैं, जहां से आप इसको खरीद सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बाकी दोस्तों अगली टैबलेट की बात करें, दोस्तों अगर आप सैमसंग के फैन है, सैमसंग की तरफ से आने वाली इस बजट में टैबलेट लेना चाहते हैं, तो आप एक और टैबलेट को चूज कर सकते हैं जिसका नाम आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8। बाकी दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आपको 10.5 इंच की एक फ्लैश प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों यहां पर प्रोसेसर की बात करूं तो यूनिसो की तरफ से आने वाला T618 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक आपको ठीक ठाक प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी आपको 7040mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और यहां पर आपको 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इस टाइप से सैमसंग की तरफ से आने वाली टैबलेट देखने को मिलती है, ये अप्रोक्स आपको 16,000 से 17,000 रुपीज में देखने को मिल जाती है। तो आप अगर सैमसंग के फैन है, सैमसंग की टैबलेट लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस टैबलेट को भी आप चाहें तो चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप एक बड़ी बैटरी वाली टैबलेट चाहते हैं जहां पर आपको भरपूर बैटरी लाइफ देखने को मिले, तो आप नोकिया की तरफ से आने वाली नोकिया टैब T20 को चूज कर सकते हैं। यहां पर आपको 10.36 इंच की एक 2K डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक IPS पैनल यहां पर देखने को मिलता है, काफी बड़े यहां पर ओवरऑल डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। बाकी बैटरी की बात करूं तो यहां पर आपको 8200mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि दोस्तों आराम से आपकी टैबलेट को 6-7 घंटा चला देगी विदाउट एनी, यानी कि आपको अलग से कनेक्ट करना नहीं पड़ेगा चार्जर बार बार। तो यहां पर आपको काफी बढ़िया बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है, 4GB की रैम, 64GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, एक्सपेंडेबल स्टोरेज का सपोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पर आपको वाईफाई प्लस 4G वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, खाली वाईफाई वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, तो जो आप चाहें वो चूज कर सकते हैं। इस टाइप से नोकिया टैब T20 देखने को मिलती है। स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो ये 13,800 रुपीज में आपको देखने को मिल जाती है, और इसके 14,000 और 16,000 रुपीज वाले भी अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी के अनुसार कि आपको 4G वाला चाहिए या फिर विदाउट 4G वाला चाहिए, वो आप चूज कर सकते हैं। जहां से आप ये सारे वेरिएंट्स चूज कर सकते हैं अलग अलग, वहां पर भी आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में लिंक देखने को मिल जाएंगे, वहां से आप डेफिनेटली चूज करके बाय कर सकते हैं। तो स्टेप से अगर आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए जिसमें आपको बहुत ज्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ देखने को मिले, तो आप नोकिया टैब T20 को चूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप हाई रिफ्रेश रेट वाली एक टैबलेट खरीदना चाहते हैं, तो आप रेडमी पैड को भी चूज कर सकते हैं। रेडमी पैड की स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहां पर आपको 10.61 इंच की एक फ्लैश प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको देखने को मिलती है। बाकी यहां पर आपको प्रोसेसर की बात करूं तो मीडियाटेक की तरफ से आने वाला हीलियो का G99 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कैपेबल प्रोसेसर आपको ओवरऑल देखने को मिलता है। 8000mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 18 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मेटल बिल्ड वगैरह यहां पर आपको देखने को मिलता है। दोस्तों ओवरऑल ये काफी बढ़िया टैबलेट आपको देखने को मिलती है। अगर आप रेडमी के फैन है, MIUI ये पसंद करते हैं, आपके पास रेडमी का फोन है, उसकी UI आपको पसंद है, तो आप इसको चूज कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है, अगर आप चाहें, अगर आपको UI इसकी पसंद है तो खरीदिए, अगर आपको इसकी UI पसंद नहीं है आपके रेडमी के फोन की, तो आप डेफिनेटली इसको अवॉइड कीजिएगा। काफी सारे ऑप्शंस हैं वो आप खरीद सकते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों ये रेडमी पैड देखने को मिल जाता है। इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो ये अप्रोक्स आपको 18,000 रुपीज का देखने को मिलता है, जो कि डेफिनेटली आपको वर्थ है, आप चाहे तो इसको चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बजट में अगर आपको और टैबलेट चाहिए, तो आप अगर 10,000 से लेकर 13,000 रुपीज में, तो आप रेडमी मिनी को चूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको 10,000 से 13,000 रुपीज के बीच में कोई टैबलेट चाहिए, तो रियलमी पैड मिनी को आप चूज कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है मार्केट में। बाकी अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो iPad Air 9 जनरेशन आपको लगभग 29,000 रुपीज में देखने को मिलता है, उसको चूज कर सकते हैं। 10 जनरेशन आ गया है, जिसकी प्राइस आपको 40,000 रुपीज देखने को मिलती है, उसको भी आप बाय कर सकते हैं अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। एप्पल की मेरी तरफ से दो प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, इससे ज्यादा अगर आप मेरे हिसाब से तो लैपटॉप खरीद सकते हैं अगर आप 40,000 रुपीज से ऊपर स्पेंड करते हैं। टैबलेट्स की बात करें तो ये सारी आपको बेस्ट टैबलेट्स करंटली इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाती है, तो इन सब में से आप डेफिनेटली कोई भी अपने लिए चूज कर सकते हैं। जहां से कंप्लीट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में और मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इस तरीके से इनको बाय कर सकते हैं। तो स्टेप से कंप्लीट आपको टैबलेट की लिस्ट देखने को मिलती है। आई होप करंटली वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज को लाइक करिए।